गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश पुरोहित और पिछले 4-5 साल से विभिन्न कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। यहां पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, यहां पर जो है आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है अनअकैडमी प्लस पर जुड़िए ताकि जो है वहां पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट, क्वीज और अनलिमिटेड एक्सेस आपके लिए अवेलेबल होगा। देखिए, यहाँ पर आपके कंप्लीट आरएस प्री और मेंस की कोर्स की जो फीस है वो 12 महीने के लिए 7,000 रुपए, 24 महीने के लिए मात्र 8,400 रुपए, जिसमें पुरोहित 10 कोड यूज कर आप 10% का जो है डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज 10 मिनट में हमारा ये स्पेशल चैनल है जिसमें 10 मिनट में हम जो है आपका एक टॉपिक या उसका सब टॉपिक कवर करते हैं ताकि जब भी एग्जाम में आपको रिविजन करना हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिविजन हो जाए। जैसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठे हैं, 10 मिनट में रिविजन करना है, उसे हम आप कर सकते हैं। आज हम करते हैं मेवाड़ शैली। देखिए, चित्रकला का वर्गीकरण आपने नाम सुना होगा कि नरोत्तम लाल जी ने चित्रकला का वर्गीकरण, राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण 4 भागों में किया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ोती, जिसमें आज जो है हम मेवाड़ चित्रकला शैली जो है उसे कवर करेंगे। और मेवाड़, आपको पता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली जो है उसमें भी कई भाग है, जैसे एक है उदयपुर, एक है चावंड, एक है नाथद्वारा, एक और देवगढ़। तो मेवाड़ के अंतर्गत जो ये 4 छोटी छोटी जो चित्रकलाएं हैं या उसके ऊपर भाग है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं उदयपुर। देखिए, राजस्थान में जो चित्रकला का विकास हुआ है वो मेवाड़ से हुआ है और मेवाड़ में भी गोहिल शासकों का योगदान है। देखिए, राजस्थान का सबसे पुराना राजवंश जो है वो गोहिल है। बप्पा रावल इसके प्रारंभिक स्तर पर सबसे बड़े जो है आप शासक बने हैं, तो गोहिल शासकों का योगदान है। आप देखिए, और इसमें जो सबसे पहले या सबसे ज्यादा चित्रों का यदि अंकन हुआ है तो वो पोथी ग्रंथों का चित्रण हुआ है, जिसमें पोथी ग्रंथों से तात्पर्य बुकों में जो प्रारंभ में पांडुलिपियां होती थी, उस पांडुलिपि में चित्रों का ज्यादा जो है आप देखोगे चित्रण दिखाई देता है। प्रारंभिक ग्रंथ एक है श्रावक प्रतिक्रमण, चूत्र शूणी और सुपासना चरितम, ये उस समय के प्रारंभिक ग्रंथ माने गए हैं जिसमें जो है चित्रकला देखने को मिलती है। वास्तविक रूप से मेवाड़ चित्रकला का उदय जो है वो महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के सबसे बड़े शासक हुए हैं। इनके समय एक चित्रकार हुए बिकम चंद ने रशिका अष्टक नाम का एक चित्र बनाया है। कुंभा के बाद अमर सिंह जी आए। अमर सिंह के समय आप देखिए एक चित्रकार हुए नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन ने रागमाला नाम का जो चित्र है वो 1605 में बनाया है। लेकिन मेवाड़ में जो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है वो महाराणा जगत सिंह का माना जाता है। आप देखिए, इनके समय साहबदीन और मनोहर नाम के ये दो बड़े चित्रकार हुए थे, और साहबदीन ने इनके समय भागवत पुराण का जो चित्र बनाया वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इन्होंने चित्रकारों के लिए आप देखिए कि एक संस्था की भी स्थापना की थी जिसे कहते हैं चितोरारी ओबरी। महाराणा जगत सिंह ने इसका निर्माण किया था, चितोरारी ओबरी, जिसे तस्वीरारा कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय जो ये चितोरा की ओबरी हुआ करती थी उसमें जो प्रमुख चित्रकार हुआ करता था उस प्रमुख चित्रकार को आप देखिए दरोगा भी कहा जाता था, जैसे दरोगा आजकल पुलिस को कहा जाता है तो दरोगा भी कहा जाता था। और उस समय आप देखो जगत सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के जो चित्रण है वो ज्यादा हुए हैं। अगर मेवाड़ में उदयपुर चित्रकला की बात करें तो उसमें प्रमुख चित्रकारों में नाम आता है मनोहर का आता है, गंगाराम का आता है, कृपाराम का आता है, साहिबदीन का आता है और जगन्नाथ का आता है। उदयपुर चित्रकला यानी मेवाड़ चित्रकला की विशेषताओं को देखें तो इसमें लाल पीले रंग का अधिक उपयोग है, गरुड़ नासिका महिला ऐसे गरुड़ नासिका उसकी है, परवल की कड़ी फाक में नेत्र आपको देखने को मिलेंगे, घुमावदार लंबी उंगलियां देखने को मिलेगी, अलंकारों की अधिकता है, चेहरे की जकड़न है और विषयों में विविधता देखने को मिलेगी, जैसे सुर सागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला और दरबार की दृष्टि जो है वो आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं मेवाड़ की एक उप शैली है नाथद्वारा शैली। देखिए, नाथद्वारा शैली में भगवान श्री नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण के चित्रण जो है वो सर्वाधिक हुए हैं। और यहाँ पर पिछवाइया से तात्पर्य ये है कि चित्र के कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जीवन को जो है चित्र के रूप में जो भगवान की मूर्ति होती है उस मूर्ति के पीछे इस प्रकार से स्थापित कर दिया जाता है, इसे पिछवाइया भी कहते हैं। और नाथ द्वारा ये मेवाड़ की उप शैली है जिसमें भगवान श्री नाथ का चित्रण विशेष है। महाराणा राज सिंह के समय इसका विकास हुआ है। पुष्टि मार्ग जो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो मानी जाती है,
यहाँ की पिछवाइया और आपको जो चित्र दिखेंगे उसमें केले केले के वृक्ष की प्रधानता भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको दो महिला चित्रकार भी देखने को मिलेगी, एक का नाम है कमला, एक का नाम है इलायची। इसके साथ साथ अन्य चित्रकारों में नारायण चतुर्भुज, घासीराम और ये ठीक है, ये जो है ये प्रमुख चित्रकार आपको नाथ द्वारा शैली के दिखाई देंगे। आगे चले मेवाड़ की एक और रूप शैली जिसका नाम है देवगढ़, और महाराणा जयसिंह के समय देवगढ़ चित्रकला का विकास हुआ है। और देखिए इनके समय में देवगढ़ में द्वारका सिंह चुंडावत द्वारा एक ठिकाना स्थापित किया गया था 1680 में, जो मेवाड़ की सामंती व्यवस्था में 16वें उमराव माने जाते हैं। लेकिन इसे सुर्खियों में या इस चित्रकला को पहचानने का जो काम किया है वो श्रीधर अंधारे साहब ने, चित्रकला को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पर भित्ति चित्र काफी मात्रा में बने हुए हैं, यहाँ पर अजारा की ओबरी है, मोती महल है। यहाँ की चित्रकला में आप देखोगे तो मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हरे और पीले रंग की अधिकता भी आपको देखने को मिलेगी। अगर मेवाड़ की जो अंतिम चित्रकला शैली की बात करें तो वो है चावंडी शैली। क्या नाम है? चावंडी शैली। महाराणा उदय अमर सिंह के समय इस शैली का विकास हुआ। प्रताप के समय जब प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया तो उस समय भी चित्रकला का विकास हुआ। आप देखिए नसीरुद्दीन नाम का एक बहुत बड़ा चित्रकार प्रताप के दरबार में था, जहां जिसने जो है रागमाला का चित्रांकन किया था। तो आप एक बार मैं आपको रिकॉल करवा लेता हूं, फिर जो है आप देखिए वापिस मेवाड़ चित्रकला में चार उप शैलियां जिसका नाम है उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मेवाड़ की बात की, मेवाड़ चित्रकला यानी उदयपुर की बात करें तो कुंभा से इसका विकास हुआ है। फिर अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रांकन किया, लेकिन स्वर्णकाल जगत सिंह का माना जाता है। और आप देखिए इन्होंने चित्रों की ओबरी या तस्वीरों का कारखाना की भी स्थापना की, ये भी आप ध्यान में रखिए। मुख्य चित्रकार दरोगा कहा जाता था। प्रमुख चित्रकारों में मनोहर, गंगाराम, कृपाराम, साहिबद्दीन और जगन्नाथ ये प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। इसके बाद नाथद्वारा शैली की बात की, जो महाराणा राज सिंह के समय इसका विकास हुआ है। भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्री नाथ के चित्रण ज्यादा हुए, जिसमें पिछवाइया और केले वृक्ष की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दो महिला चित्रकार, एक का नाम है कमला और एक का नाम इलायची, भी आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो देवगढ़ का ठिकाना स्थापित किया गया था द्वारका सिंह चुंडावत द्वारा जयसिंह के समय, 16वें उमराव कहे जाते हैं। श्रीधर अंधारे साहब ने इस चित्रकला को जो है लोगों के सामने रखा था। मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ का सम्मिलित प्रभाव इस चित्रकला में देखने को मिलेगा। और अंतिम है चावंड रूप शैली जिसका उदय हुआ है महाराणा अमर सिंह या महाराजा अमर सिंह के समय, और प्रताप सिंह के समय या महाराणा प्रताप के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्र जो है वो इनके समय ही किया है। ये थी मेवाड़ चित्रकला शैली। अगर आपको पसंद आया है, 10 मिनट में आपका बहुत अच्छे से रिविजन हुआ है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके के जो कोर्स है वो यूट्यूब पर मेरे द्वारा भी कवर करवाए जाते हैं और अकेडमी प्लस पर, जिसमें आपका कंप्लीट आरएएस, रीट, पटवार, पुलिस का जो कोर्स है जिसकी 6 महीने की फीस जो है मात्र 5,040 रुपए। ठीक है, 10% डिस्काउंट के लिए पुरोहित 10 कोड यूज कीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट, 12 महीने की 6,300 रुपए और 24 महीने की 7,560 रुपए, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो होगा। गुड इवनिंग सौरभ, अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरीज है तो आप मुझे इस नंबर 7568894446 पर आप मुझे व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।